नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2023 में आने वाली बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्मों के बारे में, जिसमें से जनवरी का महीना तो ख़त्म हो चुका है और उसमें एक पैन इंडिया मूवी भी रिलीज की गई थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पठान की, जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज की गई थी और दर्शकों के द्वारा भरपूर प्यार भी मिला और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2023 की फरवरी से लेकर दिसंबर में आने वाली कुछ फिल्मों के बारे में, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहली मूवी शहजादा के बारे में, जो कि पहले 10 फरवरी को रिलीज की जाने वाली थी, लेकिन पठान के चलते उसकी डेट पोस्टपोन कर दी गई और अब यह 17 फरवरी को रिलीज की जाएगी। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और कृति सरवन लीड रोल में नजर आने वाली हैं। यह मूवी साउथ की अला वैकुंठ रमलू का रीमेक है, जिसमें अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े को लीड रोल में दिखाया गया था और यह फिल्म साउथ में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। क्या कार्तिक आर्यन अल्लू अर्जुन वाला स्वैग दर्शकों को दिखा पाएंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट मूवी है सेल्फी, जिसमें अक्षय कुमार और इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आने वाले हैं और यह फिल्म 24 फरवरी 2023 को रिलीज होने वाली है। यह एक कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसे राज मेहता के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। हाल ही में कुछ दिन पहले फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसमें अक्षय कुमार को एक सुपरस्टार के रूप में दिखाया गया है और इमरान हाशमी उसमें एक आरटीओ ऑफिसर के रूप में दिखाए गए हैं, जो कि अक्षय कुमार के बहुत बड़े फैन होते हैं। हाल ही में सेल्फी का एक गाना रिलीज किया गया था, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इसे लोगों के द्वारा काफी पसंद भी किया जा रहा है। नेक्स्ट मूवी है तू झूठी मैं मक्कार, इस फिल्म में श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर लीड रोल में नजर आने वाले हैं, जो कि 8 मार्च 2023 को रिलीज की जाने वाली है। यह एक कॉमेडी रोमांस मूवी होने वाली है। नेक्स्ट मूवी है भोला, इसमें अजय देवगन और तब्बू लीड रोल में नजर आने वाले हैं, जो कि 30 मार्च को रिलीज की जाने वाली है। यह मूवी एक एक्शन ड्रामा और थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसे खुद अजय देवगन डायरेक्ट कर रहे हैं। हाल ही में इसका टीजर रिलीज किया गया था, जिसे लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया था। नेक्स्ट मूवी है किसी का भाई किसी की जान, इस फिल्म में सलमान खान पूजा हेगड़े लीड रोल में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 21 अप्रैल 2023 को रिलीज की जाने वाली है। यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी होने वाली है, जिसे फरहाद सामजी द्वारा डायरेक्ट किया गया है। सलमान खान की लास्ट मूवी राधे और अंतिम, जो कि फ्लॉप हुई थी, अब सलमान खान की यह मूवी किसी का भाई किसी की जान हिट होगी या फ्लॉप, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट मूवी है जवान, जिसमें शाहरुख खान नयनतारा लीड रोल में नजर आने वाले हैं। बता दें कि नयनतारा साउथ की एक्ट्रेस हैं, जो कि बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। यह मूवी 2 जून को रिलीज की जाएगी, जो कि एक ड्रामा मूवी है और यह साउथ के ही डायरेक्टर अटली कुमार के द्वारा डायरेक्ट की जा रही है। नेक्स्ट मूवी है आदि पुरुष, इस फिल्म में प्रभास कृति सेनन लीड रोल में नजर आने वाले हैं, तो वहीं सैफ अली खान विलेन के रूप में दिखाई देंगे। यह मूवी पहले 12 जनवरी को रिलीज की जाने वाली थी, जैसे ही इसका टीजर आया तो लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मूवी पोस्टपोन कर दी गई और अब यह 16 जून को रिलीज की जाएगी। यह एक एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसे ओम राउत के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। इस फिल्म में प्रभास एज आराम नजर आने वाले हैं और कृति सेनन एज सीता नजर आने वाली हैं, तो वहीं सैफ अली खान को रावण के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट मूवी है सत्य प्रेम की कथा, इसमें कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन लीड रोल में नजर आने वाले हैं, जो कि 29 जून को रिलीज की जाएगी। यह एक ड्रामा म्यूजिकल और रोमांस मूवी होने वाली है। नेक्स्ट मूवी है ड्रीम गर्ल 2, आयुष्मान खुराना और अनन्या इस फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाले हैं, जो कि 7 जुलाई 2023 को रिलीज की जाएगी। यह एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, इस फिल्म में अनु कपूर और परेश रावल की जबरदस्त कॉमेडी भी देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट मूवी है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इस फिल्म में रणवीर सिंह आलिया भट्ट लीड रोल में नजर आने वाले हैं, जो कि 28 जुलाई 2023 को रिलीज की जाएगी। यह एक ड्रामा मूवी होने वाली है, जो कि करण जौहर के द्वारा डायरेक्ट की जा रही है। नेक्स्ट मूवी है एनिमल, इस फिल्म में रणवीर कपूर दर्शिका मंधाना लीड रोल में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को रिलीज की जाएगी। यह एक्शन क्राइम और ड्रामा मूवी होने वाली है, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं संदीप रेड्डी वेंगा। नेक्स्ट मूवी की हम बात करने वाले हैं, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है और वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गदर 2 की, जिसमें सनी देओल और अमीषा पटेल लीड रोल में नजर आने वाले हैं और उत्कर्ष शर्मा भी इसमें लीड रोल में नजर आने वाले हैं और यह फिल्म 11 अगस्त
23 को रिलीज की जाने वाली है। यह फिल्म अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली है। नेक्स्ट मूवी है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इस फिल्म में अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ लीड रोल में नजर आने वाले हैं, जो कि 25 दिसंबर 2023 को रिलीज की जाएगी। यह एक एक्शन कॉमेडी और थ्रिलर मूवी होने वाली है, जो कि अली अब्बास जफर द्वारा डायरेक्ट की जाएगी। तो दोस्तों, इनमें से आप किस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।